हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं रागिनी कुमारी अपने इस छोटे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। और जितिया पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत है आपके पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को मेरी तरफ से जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग ऐसे ही अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। और जितिया पर्व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जितिया पर्व मनाया जाता है भाई, सभी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं, वो भी माया तो माँ होती है, कहा गया है माँ तो माँ होती है, पूरे समझ लीजिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं भाई। सप्तमी का नहाया धोया खाना खाए रहती हैं, फिर अष्टमी को पूरे दिन पूरी रात सब ऐसे रहते हैं, फिर जाके नवमी को कहीं वो लोग अन्य ग्रहण करती हैं। इसलिए माँ तो माँ होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ क्या नहीं करती हैं भाई, माँ से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। तो मेरे गांव में भी मनाया जाता है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि जानते हैं गांव के भाई, गांव का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर गाँव में मतलब लेके गए, अगर मैं ब्लॉग भी बना ली और मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लग गया, तो इसीलिए मैंने तो एक बार सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जी मना कर दिए, नहीं भाई नहीं जाना है, मान लीजिए किसी को बुरा लग गया। तो मैंने बोला ये भी बात सही है, फिर मैंने मैं सोची क्यों ना भाई आप सभी लोग को बस ऐसे ही शुभकामना दे दें। और भाई जितिया पर्व माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए रखती है, बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, उनके साथ रहे, तो माँ एक प्रण लेती हैं, मतलब कहती हैं, मतलब मानती हैं। बहुत लोग होती हैं, माँ होती हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे नहीं सही हैं, ठीक नहीं भाई, तो मन्नत लेती हैं कि मेरे बच्चा स्वस्थ रहेगा, मेरा बच्चा सही रहेगा, तो फिर मैं व्रत रखूँगी, या उनके शादी होने के बाद फिर जोड़े में व्रत रखूँ, मतलब लेके बैठूँगी उन लोग को भी। तो ऐसे ही होता है, मेरे यहाँ भी पूजा होता है, उसमें कथा भी होता है, कहानी भी होता है, मैं मेरे गांव में मेरे घर के सामने ही होता है, लेकिन क्या करें भाई, इस समय मैं ससुराल में हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं होता। अगर मम्मी के घर पे होती तो मैं पक्का दिखाती आप सभी लोगों को। मेरे जस्ट घर के सामने ही पूजा होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं, सब पूजा पाठ होता है, कहानी भी अच्छी अच्छी लोग सुनाती हैं जितिया माता की, और अच्छा लगता है, हंसी मजाक वाला भी कहानी होता है। और जितिया माता मतलब कहाँ पे कैसे, ये सब कहानी होता है। तो अभी तो आज मौसम भी ठीक ठाक है, जो व्रत है उनके लिए तो मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बारिश भी हो गया, लेकिन बदरी तक ही ठीक था, बारिश होने के बाद गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई। मान लीजिए जो व्रत है निर्जला व्रत भाई, 24 घंटे के लिए तो समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन क्या करें, माँ तो माँ होती हैं, माँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता भाई, माँ माँ होती हैं। तो अभी तो मौसम ठीक ठाक लग रहा था, थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, और देखिए बारिश होने के बाद और ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो अभी भाई जो जो प्रसाद, जैसे पहले हम लोग छोटे थे, जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी मामा की लड़की यहाँ जितिया पूजा होता था, मेरी मामा की लड़की हैं, बहुत बड़ी हैं हम लोगों से समझ लीजिए, तो उनके यहाँ मनाया जाता, तो हम लोग एक दिन पहले ही जाते थे, मैं और मेरे छोटे वाले भैया, हम दोनों लोग पहले ही जाते थे। एक दिन फ़ोन की थी तो बोल रही थी आना है जितिया पर्व पे, मैं बोली अब नहीं आ पाएंगे भाई, शादी हो गया तो भाई अपने ससुराल रहेंगे ना, तो वही बोल रही थी कि नहीं शादी नहीं हुआ था, तो आप लोग आते थे, सपोर्ट करते थे, मतलब जाते थे हम लोग खाना वाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, क्या क्या बनता था, गुजिया बनता है, पूड़ी बनता है, हलवा बनता है, और फल रहता है, और बहुत सी, और फिर पूजा करने के बाद वो लाल धागा क्या होता है, जितिया बोलते हैं ना उसको, वो भी पहना देते थे हम लोग को भी, हम लोग को पता नहीं था, पहन के आते थे, फिर घर में निकाल देते थे, लेकिन अच्छा रहता था। और जितिया पर्व भी काफ़ी अच्छा है,
भाई कहा जाता है कि अगर जयोतिया पर्व उठाए हैं तो उसको बीच में छोड़ा नहीं जाता, या तो सास अगर उठाई हैं तो अगर वो छोड़ने वाली हैं तो बहू बहू को दे देती हैं, अगर मान लीजिए बहू नहीं कर पा रही हैं तो उसके मतलब उसको छोड़ने के लिए पूरा क्या कहते हैं, पूरा मतलब उसका विधि विधान होता है, क्योंकि जयोतिया पर्व मतलब व्रत बहुत कठिन होता है, जयोतिया व्रत बहुत कठिन होता है भाई। और क्या कहें, मैं सोची थी आप लोगों को दिखाऊंगी यार, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं छोटा सा ब्लॉग ऐसे ही बना लूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग। और ठीक है, आप लोग कैसे हैं, बढ़िया है ना? आप लोग की तरफ कैसे जीतिया पर्व मनाया जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मतलब मेरे यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है। मेरे यहाँ तो मनाया जाता है लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है जीतिया पर्व। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे प्यारे से बातों के साथ, फिर आएंगे आप सभी लोगों के साथ बातें करेंगे और ब्लॉग वीडियो बनाएंगे। आप सभी लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग की तरफ जितिया पूजा कैसे मनाया जाता है। आप सभी लोग को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, बाय।